हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ग्रुफाइव इन दिस लेक्चर 6.10 वी वी विल डिस्कस अबाउट द मास सिस्टम, सो इसमें क्या होता है कैन कन्वर्ट द टू बॉडी प्रॉब्लम इनटू वन बॉडी प्रॉब्लम तो सिंपलीफाई कर सकते हैं हम किसी इक्वेशन को सो so, सपोज हमारे पास दो पॉइंट पार्टिकल है एक एम वन मास का और एक है एम मास का सो सपोज एम जो पार्टिकल है उसका पोजिशन वैक्टर है वेक्टर आर वन और जो एम टू पार्टिकल है उसका पोजिशन वैक्टर है वेक्टर आर टू विद रेस्पेक्ट टू एनी रिफ़रेंस पॉइंट सपोज ओरिजिन सो जो एम टू पर फोर्स लगेगा सपोज इस डायरेक्शन में है और एम वन पर फोर्स सपोज इस डायरेक्शन में है हालांकि अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे तो हम जो भी वेक्टर ले लेंगे उसमें माइनस साइन लगा लेंगे सपोज यहां पर इस डायरेक्शन में मैंने वेक्टर ले लिया वेक्टर आर सो एफ टू किसके बराबर हो जाएगा माइनस जी एम वन एम टू अपन आर फोर्स अट्रैक्शन का है इसलिए R -cap के अपोजिट होगा अब एफ वन और एफ टू में क्या रिलेशन है मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन होगी अपोजिट अब एफ टू को अगर मैं वेक्टर एफ मान लेता हूं सपोज एफ मान लिया तो एफ वन किसके बराबर हो जाएगा माइनस अब अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं पार्टिकल ऑफ मास एम टू तो क्या हो जाएगी एम टू ए टू इक्वल टू एफ टू सो ये हो जाएगा एम टू डी स्क्वायर आर वन अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एफ टू इक्वल टू एफ सो यहां से डी स्क्वायर आर वन अपॉन डी टी स्क्वायर कितना आ जाएगा एफ अपॉन एम टू सिमिलरली डी स्क्वायर आर वन अपॉन डी टी स्क्वायर ये आर टू एफ सेकेंड पार्टिकल के लिए ये हो जाएगा एफ अपॉन एम वन और इसका फोर्स कैसा माइनस एफ अब फर्स्ट इक्वेशन में से अगर मैं सेकेंड इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर देता हूं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर आर टू अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर वन अपॉन डी टी स्क्वायर सो कितना हो जाएगा ये एफ अपॉन एम टू माइनस माइनस एफ अपॉन एम वन So, इसको लिख सकता हूं डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर आर टू माइनस आर वन दिस विल बी वेक्टर एफ वन अपॉन एम टू प्लस वन अपॉन एम वन इसको हम ले सकते हैं डी स्क्वायर वैक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इसको लिख सकता हूं मैं एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन एम टू एफ दिस कैन बी रिटेनाइज वैक्टर एफ इक्वल टू एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इसको हम एक नई क्वांटिटी कंसीडर कर लेते हैं म्यू सो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर वेयर म्यू इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड मास सो हो गई ये सिंप्लीफाई हो गई इक्वेशन एफ इक्वल टू एम ए So, दो इक्वेशन को सोल्व करने की बजाय हमें केवल एक इक्वेशन एक सोल्व करनी होती है अब इसमें हम एक अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं इफ एम टू इज वेरी वेरी लेस देन एम वन देन सो म्यू को क्या लिख सकते हैं हम एम टू अपॉन वन प्लस एम टू अपॉन एम वन क्योंकि एम वन बहुत लार्ज है तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं एम टू सो यह क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू एम टू डी आर अपॉन डी टी कि जो पार्टिकल है मास M2 का जिसका मास बहुत कम है वो ट्रेवल कर रहा है वो मूव कर रहा है दूसरा पार्टिकल जो बहुत ज्यादा हैवी है वो जनरली कैसा कंसिडर कर लेते हैं हम रेस्ट पर इन द नेक्स्ट एंड द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रोमास एंड द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स